नमस्कार, फास्ट समाचार न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती सिरवी। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। सरकार व प्रशासन भले ही दावे करती है कि प्रदेश व गांव का विकास तेजी से हो रहा है, लेकिन आज भी गांव की तस्वीर नहीं बदल पाई। गांव में आज भी टूटी फूटी सड़कें व टूटे पुलिया नजर आ ही जाते हैं। मामला उमरिया जिला मुख्यालय से महज 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मानपुर ब्लॉक के ग्राम ददरौड़ी का है, जहां पर छात्रों को शिक्षा के लिए दूसरे गांव सरसवाही आना जाना पड़ता है। यहां रास्ते में पड़ने वाली कथली नदी पर भूमि संरक्षण विभाग द्वारा रपटा कम स्टॉप डैम बनाया गया था, जो गुणवत्तायुक्त न होने से टूट चुका है, जिससे छात्रों को स्कूल जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। दिक्कत आती है, हम नहीं नक पाते हैं तो नहीं जाते। फिर उस दिन स्कूल नहीं जाते? नहीं जाते। कितने छात्र छात्राएं ऐसे हैं जो यहाँ से पार करके जाते हैं? ऐसे 10-20 लोग जाते हैं, नहीं तो नहीं जाते। यहाँ से पूरे ददरौड़ी बरतराई पूरे यहाँ के नहीं जाते। कुड़ा जब मतलब बारिश होती है तो हम लोग जा नहीं पाते। पुल भी टूटी है, साइकिल नहीं नकती और नदी आ जाती तो हम नहीं जा पाते। फिर कोई स्कूल नहीं जाता? इधर सारे से जो आते हैं वो कोई भी नहीं जा पाता। मेरे गांव में कम से कम ददरौड़ी बरतराई कुड़ार कछियट वाला मरवट वाला करीब 300 लड़का बिटिया सभी पढ़ने आते हैं। सरसवाई में हाई सेकेंडरी स्कूल है और वहां गांव से उमरिया 15 किलोमीटर दूर है, इसलिए पास में हाई सेकेंडरी स्कूल होने के कारण सभी सरसवाई स्कूल में पढ़ते थे। आज उस नदी की हालत बहुत खराब है, वो पुलिया बह जाने के कारण बच्चों को भारी दिक्कत है। ये प्रकरण आप लोगों के माध्यम से संज्ञान में आया है, इसमें तात्कालिक रूप से उसके रिपेयर की हम कार्य योजना बना रहे हैं। उसके बाद वृहद स्तर पर देखने की आवश्यकता है कि कौन से फंड से हम कन्वर्जेंस करके उस पुलिया को वास्तविक रूप से ठीक ठाक कर सकते हैं, या फिर उसके अलावा हम उसका कोई और विकल्प तलाश सकते हैं, दूसरी पुलिया के निर्माण में कर सकते हैं, तो वो हम दोनों चीजें अभी देखेंगे। उमरिया से प्रदीप त्रिपाठी, दीपू की रिपोर्ट।